गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट वन का एक नया टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस के ऊपर आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। तो बिफोर स्टार्टिंग लिक्विड क्रिस्टल्स, पहले जानना चाहेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स हम सब आजकल कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी ने देखा होगा LCDs, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। यस, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज होते हैं, मोबाइल में LCD स्क्रीन होती है, टेलीविज़न की LCD स्क्रीन आ रहे हैं, LCD मॉनिटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, डिजिटल वॉचेज आ रही हैं, डिजिटल कैलकुलेटर आते हैं, तो उन सब के पीछे जो प्रिंसिपल छुपा हुआ है केमिस्ट्री का, इट इज़ ड्यू टू बिकॉज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो क्या ये लिक्विड क्रिस्टल्स बहुत लेटेस्ट है? नहीं, ये लिक्विड क्रिस्टल्स बहुत पहले डिस्कवर किए थे। तो लिक्विड क्रिस्टल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रेनिटजर, एक हमारे ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था रेनिटजर, फ्रेडरिक रेनिटजर, एफ रेनिटजर। इन 1888 में इन्होंने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के ऊपर ये डिस्कवरी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्हें पता चला कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट बिहेव्स लाइक लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। तो उन्हें वहां से पता चला कि लिक्विड क्रिस्टल की डिस्कवरी वहां से हुई। पर लेकिन इनकी एप्लीकेशन जो हमें पता चली है वो रिसेंटली 10 to 15 years बिफोर पता चली है, जिनको हम यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो व्हाट आर द लिक्विड क्रिस्टल्स? द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज एमोर्फस लिक्विड। यानी कि किसी भी मैटर की वो स्टेट जिसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी हो और साथ साथ एमोर्फस लिक्विड की तरह प्रॉपर्टी हो। यानी कि यदि हम कहें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह इनका ऑरिएंटेशन, कॉन्स्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर हो जाएगा, और लाइक लिक्विड ये क्या कर पाएंगे? फ्लो। तो मैटर की वो स्टेट जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। बात करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। जब कुछ सॉलिड्स को हम हीट करते हैं, कुछ सॉलिड्स को, तो वो पहले सेमी सॉलिड या विस्कस लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं हेजी लिक्विड, उसमें कन्वर्ट होते हैं। फिर धीरे धीरे और गर्म करने पर वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट आती है, जो इंटरमीडिएट स्टेट हेजी लिक्विड वाली है, तो उसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है और सॉलिड की। जैसे आपने देखा होगा जब साबुन को हम रखते हैं तो साबुन के नीचे एक विस्कस लेयर जम जाती है, तो वो सेमी सॉलिड होती है, उसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है और क्रिस्टलिन की, तो वो लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। तो व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हेजी लिक्विड और विस्कस लिक्विड व्हिच ऑन फर्दर हीटिंग कन्वर्टेड इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड। एंड दैट स्टेट ऑफ हेजी लिक्विड इज कॉल्ड मीजो फेज, क्योंकि वो लिक्विड और सॉलिड के बीच की फेज है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मीजो फेज और मिडिल फेज। और इस मिडिल फेज या हेजी लिक्विड्स को ही क्या बोलते हैं हम? लिक्विड क्रिस्टल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बिहाव पर, उनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बिहाव पर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बिहाव पर, उनकी स्ट्रक्चर के बिहाव पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम लिक्विड क्रिस्टल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं चार तरीके से। तो लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। नंबर वन, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, ट्रॉपिक मीन्स बेस्ड, जो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड हो। सेकेंड वन, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। लायो मीन्स लिक्विड, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड हो, दैट आर कॉल्ड लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। थर्ड वन इज डिस्कॉटिक एंड कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, जिनकी स्ट्रक्चर डिस्क लाइक हो, डिस्कॉटिक, और जिनकी स्ट्रक्चर रॉड लाइक हो, दे आर कॉल्ड कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। एंड द फोर्थ वन आर मेटेलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इन जनरल जो आप लोगों के बीटेक के कोर्स में है वो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल इन डिटेल में है। यदि केवल क्लासिफिकेशन आता है तो आपको सब क्लासीफाई करना पड़ेगा, सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्पेशली थर्मोट्रॉपिक आता है तो थर्मोट्रॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। दीज आर नंबर ए, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, बी स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, सी कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो नंबर वन, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, थर्मो, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, सो दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर रेंज आर कॉल्ड थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। वास्तव में क्या होता है, यदि इन लिक्विड क्रिस्टल का टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो ये प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कम कर दिया जाए तो सॉलिड में।
पर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर ये लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सो दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर रेंज आर कॉल्ड थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। नंबर ए, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो ये जो वर्ड निमेटिक है, इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नीमा विच मीन्स थ्रेड लाइक। सो दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। वास्तव में इनकी जो स्ट्रक्चर होती है एक धागे की तरह लगती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। दे हैव नो पोजिशनल ऑर्डर, इनमें कोई भी पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता। ऑरिएंटेशन होता है, ऑरिएंटेशनल ऑर्डर होता है, बट पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता। और इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर अलाइंड अलोंग लॉन्ग एक्सेस। इसका मतलब लॉन्ग एक्सेस के अलोंग ये अलाइंड है, तो उसका मतलब इनमें ऑरिएंटेशनल ऑर्डर है, बट नॉट अलाइंड अलोंग शॉर्ट एक्सेस। इसका मतलब उनमें पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता। तो डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं कि ये देखिए, इनका जो क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं, इनका जो लॉन्ग एक्सेस है वो प्रॉपर ऑरिएंटेशन में, यानी कि सभी एक लाइन में है, बट पोजिशन ऑर्डर में मैं देखूं तो इस पोजिशन ऑर्डर में कोई आगे कोई पीछे इस तरीके से पार्टिकल आया, पर देखने में कैसे लग रहे हैं ये, थ्रेड लाइक। सो दीज आर कॉल्ड निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। वास्तव में निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज कहां किया जाता है, निमेटिक क्रिस्टल्स आर यूज फॉर मेकिंग टेलीस्कोप लेंसेज फॉर इमेज क्लैरिटी। इनको स्पेशली हम टेलीस्कोप लेंसेज में यूज करते हैं ताकि इमेज को क्लियर कर पाए। सेकेंड वन इज स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। द वर्ड स्मैक्टिक इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्मैक्टिकस, जिसका मतलब होता है सोप लाइक और स्लिपरी, यानी कि जिनकी नेचर स्लिपरी हो, जैसे साबुन स्लिपरी होता है, तो उसकी तरह यदि लिक्विड क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, शेप है, तो उसे बोलते हैं हम स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। सो दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच हैज सोप लाइक स्ट्रक्चर और स्लिपरी इन नेचर आर कॉल्ड स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। वास्तव में इन लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होता है, दे हैव पोजिशनल ऑर्डर एज वेल एज ऑरिएंटेशनल ऑर्डर। इनमें पोजिशन ऑर्डर भी होता है और ऑरिएंटेशनल ऑर्डर भी होता है, और जितने भी पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जितने भी क्रिस्टल्स होंगे, उन सबका ऑरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन होगा। दे हैव सेम ऑरिएंटेशन। इट मीन्स यदि सारे के सारे वर्टिकल हैं, तो सारे के सारे वर्टिकल होंगे। इफ सारे के सारे लेफ्ट साइड ऑरिएंटेड हैं, तो सारे के सारे लेफ्ट साइड होंगे। सारे के सारे राइट साइड ऑरिएंटेड हैं, सारे राइट साइड ऑरिएंटेड होंगे। जैसे साइकिल स्टैंड में बहुत सारी साइकिल खड़ी हैं, एक साइकिल को इस साइड में मूव कर दूं, तो सारी साइकिल इस साइड स्लिप हो जाएंगी। तो ऐसी नेचर इन क्रिस्टल्स की होती है, इसलिए इनको बोलते हैं हम स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसे डायग्राम में दिखा हुआ है, यहां सारे पोजिशनल ऑर्डर भी हैं और इनका ऑरिएंटेशन ऑर्डर भी है, सारे ऑरिएंटेशन है, और सबका ऑरिएंटेशन कैसा है, वर्टिकल। यदि एक को लेफ्ट साइड कर दो, तो ये सारे के सारे लेफ्ट साइड या सारे के सारे राइट साइड फ्लो कर जाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड अलोंग विद निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल फॉर मेकिंग लिक्विड क्रिस्टल स्प्रे। नंबर सी पार्ट, दैट इज कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोलेस्ट्रिल दैट इज कोलेस्ट्रॉल, यानी कि दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच हैव कोलेस्ट्रॉल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल की तरह होती है। अब कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव क्या होते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल से अटैच हों, तो इनकी स्ट्रक्चर समहाउ कायरल होती है, कायरल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। सो दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच हैव कोलेस्ट्रॉल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कायरल निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, क्योंकि वास्तव में इनकी स्ट्रक्चर निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह होती है और कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, तो कायरल निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। वास्तव में होता क्या है, दीज आर अरेंज इन लेयर्स, ये लेयर्स में अरेंज होते हैं, एंड दे हैव नो पोजिशनल ऑर्डर एंड नो ऑरिएंटेशनल ऑर्डर। तो निमेटिक की तरह इनका कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता, पर लेकिन इनका ऑरिएंटेशनल ऑर्डर भी नहीं होता। इन ईच लेयर दे हैव डिफरेंट ऑरिएंटेशन, हर लेयर के अंदर इनका ऑरिएंटेशन भी डिफरेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तीन लेयर दिखाई हैं, तो इसमें यदि हम पहले वाले को निमेटिक मान के चलें, तो दूसरे वाले में क्या हो गया, इसका ऑरिएंटेशन राइट साइड था, पर दूसरे वाले में ऑरिएंटेशन वर्टिकल हो गया, और तीसरे वाले में लेफ्ट साइड ऑरिएंटेड ऐसे हो गए। तो इसका मतलब लेयर वाइज ऑरिएंटेशन भी डिफरेंट है। तो ना तो ये पोजिशनल ऑर्डर है, ना ही इनका ऑरिएंटेशनल ऑर्डर है। इन्हें बोलते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। ये कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल स्पेशली कहाँ यूज किए जाते हैं, ये टेम्परेचर के साथ अपना कलर चेंज करते हैं। तो दीज आर ऑल्सो यूज इन जैसे थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, या हम थर्मोग्राफी करते हैं कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने में,
तो वहां पर हम कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये कलर चेंज शो करते हैं टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ। तो थर्मोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज टू डिटेक्ट द कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स और ऑल्सो ब्लॉकेज इन द वेन्स। वेन्स के अंदर कहां ब्लॉकेज है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। सेकेंड वन, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है लायोट्रॉपिक, विच मीन्स कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड। जैसा कि आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन में सोप को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो वो इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो जाती है और जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो मिसल्स फॉर्मेशन करती है। यस, वो मिसल्स फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सो दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच आर बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स, फॉर एग्जाम्पल मिसल्स। तो मिसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट वन, थर्ड, डिस्कोटिक एंड कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल। वास्तव में इन सबको यदि हम स्ट्रक्चर के बिहाव पे आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये डिस्कोटिक या कैलामेटिक टाइप हो सकते हैं। तो डिस्कोटिक क्या है, दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच हैव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर एक तस्तरी की तरह हो, डिस्क की तरह हो, तो उन्हीं को बोलते हैं हम डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसे मिसल्स आपने देखा तो ये डिस्क लाइक आपको दिख रही है, तो दैट्स कॉल्ड डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट वन, कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, तो दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच हैव रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर रॉड की तरह हो एक, उनको बोलते हैं हम कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया पहले वाला एक डिस्क की तरह है जो वास्तव में मिसल्स का ही एग्जांपल है, पर लेकिन स्ट्रक्चर डिस्क की तरह होने की वजह से इसको क्या बोल दिया हमने, डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल। और जो साइड में ही आपको दिखाया गया है इट इज कॉल्ड कैलामेटिक, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर रॉड लाइक, तो इट इज कॉल्ड कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल। क्लियर। नंबर फोर, मेटलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मेटल, जब कोई मेटल सॉल्ट लिक्विड और क्रिस्टल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करे तो उसे बोलते हैं हम मेटलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। कुछ मेटल सॉल्ट जैसे जिंक क्लोराइड, उसके अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टी भी होती है और लिक्विड की प्रॉपर्टी भी होती है, तो उसे बोलते हैं हम मेटलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। सो दोज लिक्विड क्रिस्टल्स इन विच मेटल सॉल्ट लाइक जिंक क्लोराइड बिहेव्स लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स आर कॉल्ड मेटलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। अब बात करते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। इन जनरल द नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन टेलीस्कोप लेंसेज फॉर इमेज क्लैरिटी। सेकेंड वन, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स अलोंग विद नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज इन लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन थर्मोग्राफी टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स, टू डिटेक्ट ट्यूमर सेल्स, टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन द वेन्स। ओवरऑल ऑल द लिक्विड क्रिस्टल्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज फॉर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स की जो LCDs आती हैं उनके लिए। फिफ्थ वन, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिजिटल थर्मामीटर। आजकल जो थर्मामीटर आते हैं वो भी डिजिटल आते हैं, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन जो आती है, जितनी भी डिजिटल वाली चीज आती है जिसमें डिजिटल डिस्प्ले होती है, दे आर यूज फॉर, यू आर यू मेड बाई लिक्विड क्रिस्टल्स। दे आर यूज टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स इन थर्मोग्राफी, स्किन कैंसर हो, वेन की ब्लॉकेज हो, शरीर के किसी भी इंटरनल पार्ट में कोई कैंसर हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।